क्वेश्चन है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मगर कुछ वजह थी। और आप सब लोग जो इतनी शॉर्ट नोटिस पे, मेरे ख्याल से दो दिन पहले ही इन्विटेशन गया था सबको, और फिर भी इतने सारे लोग आ गए, मीडिया आ गए, सब लोग उपस्थित हैं, मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी फेडरेशन जो है इत्तेफाक से, जिसका बोझ मेरे कंधों पे आया है एज प्रेसिडेंट, और भी लोग हैं मेरे साथ, आएंगे थोड़ी देर के बाद। हमें जब खयान साहब का फोन आया, मैं बड़ा ताज्जुब हुआ, कोई खयान साहब हमें क्यों याद कर रहे हैं। हम गए बिल्कुल सादर की तरह, बैठे, बातचीत की, और हमने जो सुना उनसे, उनकी उनकी जो गिफ्ट थी उसके बारे में सुना, हम हैरान रह गए। साहिब साहब ने बहुत पहले कभी कहा था कि दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया लौटा रहा हूं मैं। तो एक फनकार जो है उसको जो भी दुनिया देती है तजुर्बा तो हवादिश की शक्ल में, अपने फन की शक्ल में वो लौटाता है दुनिया को, हर कलाकार। पर एक कलाकार जो है हमारे बीच ऐसा, उस दिन मुझे एहसास कि सिर्फ अपना तन मन और फन ही नहीं, अपना धन भी लौटा रहा है उसी दुनिया को। और ये मेरे ख्याल हमारी इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहला मौका है। इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, देखती रहती है, कभी अच्छाई भी कभी बुराई भी, खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं, नाम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, ठोकरे भी मिलती है, मगर बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी ने जो भी हासिल किया है इंडस्ट्री से, पैसे, एसेट, दौलत जो भी है, वो इंडस्ट्री के नाम कर जाए, इंडस्ट्री के वर्कर्स, टेक्नीशियंस और आर्टिस्टों के नाम कर जाए। तो हम इस छोटी सी जगह पर और इतने अपने लोगों के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक मकाम पे खड़े हैं। ये ऐतिहासिक शुरुआत है, उसकी वजह भी है, इसकी वैल्यू शायद आपको उतना एहसास नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है एज ए इंडस्ट्री। हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करती, खैर वो सवाल है, वो हम सरकार से बात करते रहते हैं, मगर हमारे वर्कर, टेक्नीशियन और हमारे आर्टिस्टों के लिए न मेडिकल एड है, न एजुकेशनल फंड है, न इंश्योरेंस है, न पीएफ है, कुछ भी नहीं। सरकार सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है 45%, देती कुछ नहीं। हाँ, इलेक्शन के मौके पर कुछ एक्टरों को ले जाती है इलेक्शन के लिए, खड़ा कर देती है, मंत्री बना देती है, मगर वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं करती। तो इसीलिए अब ये सिंपल जो फंक्शन भी है, हमारी जो भी हैसियत थी उसके हिसाब से हमने जो कर सकते थे हम कर रहे हैं, पर हमें बड़ी जरूरत थी ऐसी मदद की। हालांकि हमारी जो इंडिविजुअल एसोसिएशन है वो अपने अपने तल पे कुछ हेल्प करती रहती है, अपने अपने मेंबरों की, कभी मेडिकल एड, कभी कुछ इमरजेंसी के लिए, पर अभी भी फाइनेंशियली हमारे सारे वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट एक बड़ी असुरक्षा में जीते हैं। सिक्योरिटी के पता नहीं कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पता नहीं कल का क्या होगा, क्योंकि हमारे ना कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है, ना पेंशन है, ना कुछ और भरोसा है या सहारा है किसी का। सुभाष जी हमारे बीच आ गए हैं, उनका स्वागत कीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी हेल्प हमें आती है, तो हमारे वर्कर्स की, टेक्नीशियंस की, आर्टिस्टों की जो माली हालत है और उसके खतरनाक अंजाम भी है, जो कि बेचारों को अजीब अजीब शर्तों पे काम करना पड़ता है। पैसे मिले ना मिले, मिले 6 महीने बाद मिले, हम रोज भुगत रहे हैं भाई, तो आते हैं डिस्प्यूट में, किसी कोई 6-6 महीने नहीं देता पैसे। हमारे वर्कर जो डेली वेजेस वाले हैं उनके पैसे 6-6 महीने नहीं मिलते। तो इतनी असुरक्षा, बेचारा वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट जो है किसी भी शर्तों पर काम करने को राजी हो जाता है। एक तरह से वो बंधुआ मजदूर है। आज भी हमारी इंडस्ट्री के 2.5 लाख वर्कर, टेक्नीशियन और आर्टिस्ट बंधुआ मजदूर है, फिल्म प्रोड्यूसरों के, टीवी प्रोड्यूसरों के। तो इस हालत में हमें जो भी थोड़ा बहुत कोई हेल्प देता है बड़ी खुशी होती है, मगर जो खयाम साहब ने किया है वो अद्भुत है। उन्होंने जो बनाया है ट्रस्ट,
खयाम जगजीत कौर केपी जे केपी जे चलते बटला इस ट्रस्ट से वो हर साल एक फिक्स रकम जो है फेडरेशन को देंगे और फेडरेशन जो है अपने मेंबरों के लिए वर्कर्स के लिए उसमें से हेल्प करेगी और ये सिर्फ एक साल दो साल पांच साल दस साल के लिए नहीं है ये तब तक के लिए है जब तक ये फिल्म टीवी इंडस्ट्री इस बंबई शहर में रहे हमेशा के लिए इसलिए मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक शुरुआत ये हिस्टोरिकल मोमेंट है ये हमारे हमारे लिए एक बड़ा अहम लम्हा है हमारी इंडस्ट्री के इतिहास में कि ये हमारे अपने ने जो कुछ उसके पास तक गाने तो दिए अभी आप सुन ही रहे थे उसकी तारीफें उनके बारे में क्या बोलूं मेरी औकात है मेरी हैसियत संगीत के बारे में बात करने की मैं तो राइटर फिर भी थोड़ी बहुत मैं थोड़ा कहना चाहूंगा मेरा पर्सनल 1958-59 में स्कूल था वो उस उम्र में था जब हम बच्चों को सिर्फ बच्चों की फिल्में देखनी अलाउड थी बड़ों की फिल्में हम देखनी अलाउड थी पर रेडियो था तो रेडियो पे जब एक गाना आना शुरू हुआ कि वो सुबह कभी तो आए इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा जब दुख के बादल पिघलेंगे जब सुख का सागर छलकेगा जब अंबर झूम के नाचेगा जब धरती नगमे गाएगी और सुबह कभी तो आएगा आज उस गाने के 55 साल बाद शायद 55 साल बाद आज भी वो गाना उतना ही सच और जो चीज हालांकि जब मैं बड़ा हुआ मैंने फिल्म दोबारा देखी मैथिली में और उसका जो असर हुआ उसके बाद और भी फिल्म कतार चाहे वो कभी कभी हो चाहे वो उमराव जान हो चाहे वो शगुन हो जो गाने थे और एक चीज जो था कि हर गाने में कयाम साहब का अपना दस्तखत था कंपोजर बहुत कम के समय में शंकर किशन थे ओपी नैयर थे बहुत सारे रवि थे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोजर थे मगर खयाम साहब का जो सिग्नेचर था कि उनकी धुनें कभी लफ्जों पे हावी नहीं होती कभी अल्फाजों पे हावी नहीं होती वो लगता था जैसे उनकी धुन जो है वो लफ्जों की इबादत कर रही है उनको इज्जत और लफ्जों के बीच की जो खामोशी है जो खामोशी है जो मायने जो छुपा हुआ सीक्रेट है शब्दों के जो जो शायरों ने उसमें डाला हुआ है वो इतना संगीत उन मायने को बाहर लाता और बिना दखल दिए आज की बात तो और आज हम जो गाने सुनते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है मगर एक बात था कि शब्दों की इज्जत थी शब्दों की इबादत होती थी और उसके लिए खयाम साहब के गाने सबूत है कि शब्दों की इबादत कैसे की जाती है और इसीलिए गालिब और यू नो दाग और बड़े बड़े शाहों से लेके और मजरू सुल्तान साहब लुधियानवी रिदा फाजली आप शहर यार एक से एक तो गीतकार हुए इस मामले में मेरे ख्याल है खयाम साहब भी लकी थे उनको ऐसे शाहों के कलाम मिले जिनके अल्फाजों में जादू था और खयाम साहब ने उस जादू को जो परवान चढ़ाया उसका कोई जवाब नहीं आज भी हम उनके गाने सुनते मुझे याद है जब मैं फुटपाथ देखने गया वो जो गाना आता है शाम कम कसम आज कम किया वो उम्र थी मेरी हमारी जो टीनेजर मतलब हमारी सारी उदासी जो थी हमारे अंदर की हमारी फ्रस्ट्रेशन की हमारी बेकारी की उस उदासी को संगीत किया था खयाम साहब शाम कम की तो हमारी हमारी हर शाम का गम जो है वो खयाम साहब की गमें से तो ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव था खयाम साहब के संगीत के बारे में उनके फैन होने के बाद मगर एक बार फिर इन्होंने जो किया है खयाम साहब ने जो ये हमें उपहार दिया है हमारी इंडस्ट्री को खासतौर से हमारे वर्कर टेक्नीशियन और आर्टिस्टों को वो उसका वो मेरे ख्याल है हमारे इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि हाँ भाई एक आर्टिस्ट ने ये किया और मेरे ख्याल है बाकी लोगों के लिए भी वो एक उदाहरण होना चाहिए भैया तुमने इस फिल्म से बहुत कमाया आज फिल्में कमा रही है 300 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस कर रही है थोड़ी सी रकम देर में क्या तकलीफ है भैया हमारे वर्कर के लिए बेचारा हुआ तो उम्मीद करता हूँ कि इनका उदाहरण जो है और लोग भी फॉलो करेंगे आगे आएंगे हमारे वर्कर्स की मदद के लिए उनके हेल्प के लिए जो एक छोटी सी किरण रोशनी खयाम साहब ने हमें दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है क्योंकि कभी भी सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होती दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए
और ये इबादत बोलना शांत से बोल रहे हमारे खयाम सामने ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम किया है। इतने बड़े आर्टिस्ट सालों से इंडस्ट्री में इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर रहे काम और उसके बाद अपने जीवन में जो कमाया जो पाया उसको दूसरों को वर्कर्स को भाग लिया। फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनके साथ अपने दिल को जोड़ा। इससे बड़ा उदाहरण मुझे बताइए कि कोई भी हिंदुस्तान के आर्टिस्ट के लिए हो सकता है। खय्याम साहब ने हम सबको एक प्रेरणा दी है, एक संदेश दिया है दूसरे लोगों को। आपको जब सफलता मिले, जब जीवन में पूर्णता मिले, अपना जीवन दूसरों के लिए देके जाए। और इन्होंने जो आज किया है वर्कर्स एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ा योगदान नहीं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हम सबको सीखना है कि हमारा जीवन जो है आने वाले बच्चों के लिए भी। वही करना है और उससे मत कहा मैंने इंस्टीट्यूट को दिया बच्चों के एक मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चों ने हमारे विद्यालय डिस्ट्रिक्ट से खय्याम साहब को ऑनर किया नेशनल अवार्ड के साथ और खय्याम साहब आए वहाँ पर और बच्चों को इतना प्रेरित किया कि प्रेरणा दी। तो इन्हीं से हम लोग सीखते हैं, इन्होंने हमें दिया हम आगे देंगे आने वाले लोग आगे देंगे। सॉरी इट इज़ अ वेरी बिग प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट ही हैड सेट एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। लेट अस थिंक फॉर द पुअर, लेट अस थिंक फॉर द नीडी एंड लेट अस थिंक फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। He has given an example to us, it has inspired us, and we all have to think. Can the aapko shabd bol dijiye mukesh ji se bol dijiye. I'll just say that as a public broadcaster it is very important for us, apart from the commercial broadcaster, that what we have done today we should take it to the next level. वो असली है। हम लोग ले तो बूम बूम लड़ाई करनी कहती है ना, अगर कुछ और छिड़ा हो बात तो कहती है क्योंकि मादरे वतन ये जो किस्मत शुरुआत हुए इसका मतलब ये है कि हमने मादरे वतन की खिदमत की। मादरे वतन इसलिए हमने सब कुछ किया, मादरे वतन अल्लाह ने ईश्वर ने वाहेगुरु की ने किया, लेकिन मादरे वतन ने हमें क्या नहीं दिया सब कुछ दिया वो अपने बस लौटा दिया। और ये इनकी प्रेरणा है और सबसे पहले सूचना इन्होंने दी कि खयाम साहब वाई नॉट ये हम ये मादरे वतन की खिदमत इस तरह कर दी। मैंने फौरन कहा यस, तो मैंने फौरन अपने रोल को बुला लिया और ये हमने आपके सामने आपको बातें बता दी हैं ऑलरेडी मैंने क्या नौयत। ये इतना बड़ा ट्रस्ट होगा, ये अजीब बात कह रहा हूँ मैं, इतना बड़ा ट्रस्ट होगा कि जब हमारा एक घर हमारे बाल हमारा घर जाएगा जो भी
और ये सब, और क्या आएगा कि अंदाजन 10 करोड़। अब इसका 10 करोड़ का हमने टोटल बैंक में रखा हुआ है, और बैंक में उसका साल का कितना मिलने वाला है 10 करोड़ का? अबाउट 17 लाख। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और उसमें से अगर हम 40% 50% खर्च करते हैं, बाकी रखते हैं, तो ये किस बहुत बड़ा ट्रस्ट, आप लोगों की दुआओं से ये बहुत बड़ा ट्रस्ट बनने वाला, शायद इससे बड़ा ट्रस्ट कोई हो, अभी बाद में कोई आ जाएगा अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रस्ट बनेगा, और इंशाल्लाह, और ये सब जरूरतमंदों की हर तरह के फील्ड में अपनी फिल्म एज वेल एज और भी जरूरतमंदों की खिदमत करें। यार इसके लिए कोई शब्द नहीं है, श्याम साहब ने इतनी बड़ी मिसाल हम लोगों के लिए पेश की है, और हम सबको सीखना चाहिए इससे कि जितना कुछ इस इंडस्ट्री से कमाया उन्होंने, इतना कुछ तो दिया है पहले से, अब जो कुछ कमाया हुआ था सब वापस इंडस्ट्री को दे करके जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई इनकी उम्र में मेरा दिल भी इतना ही बड़ा हो, मैं यही प्रार्थना करूँगा। इसके अलावा जो आने वाले फिल्म मेकर्स है या फिर जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको कितना फ़ायदा होगा इस बात से? देखिए ये हम सबका उत्साह बढ़ता है इससे, और जैसे ओम जी ने भी अपना 1% अपनी इनकम का देने का फैसला किया, उनसे मैंने सुना तो मैंने भी फैसला किया, फिर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अमित बहल उन्होंने भी किया, तो अगर ऐसे करते करते जितने कलाकार हैं, बड़े कलाकार खासकर जो अच्छा नाम कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 1% उनकी इनकम का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 2.5 लाख वर्कर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो रिटायर हो गए हैं या बुरे हाल में हैं, बाकी टेक्नीशियंस हैं, उनको कितनी मदद मिल सकती है ये सोच भी नहीं सकते वो लोग। तो मैं चाहूँगा भाई सारी संपत्ति ना दान दें, सिर्फ 1% भी अपनी एनुअल इनकम का अगर आप अपनी अपनी एसोसिएशन को या फेडरेशन को अगर दान दे दें, तो हम वर्कर्स की जो कंडीशन है आज उसकी सूरत बदल सकते हैं। कितना बड़ा ब्रॉड मूवमेंट है इस तरह इंडस्ट्री के लिए, ये तो अभूतपूर्व है, जैसा कहा ऐतिहासिक है, मैं ऐसा पहले कभी हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे बार बार हो ऐसा। इट इज़ आई विश एवरीबडी कुड फॉलो इन खयाम साहब फुटस्टेप्स, और इतना बड़ा दिल ना भी रखें भाई, थोड़ा ही कर लें, उन्होंने तो मतलब कदम क्या पूरी मैराथन दौड़ गए, हम अगर एक एक कदम भी बढ़ा दें तो बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे महान फिल्म मेकर सुभाष कैंची, हम इनके फैन हैं, बहुत जबरदस्त पिक्चर बनाते हैं और हिंदुस्तानी पिक्चर बनाते हैं, और उसको देखिए हिंदुस्तानी खुशबू होती है, तो किसी भी और एंटरटेनिंग और ग्रैंडर हर तरह का जो फिल्म का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है, ऐसी पिक्चर बनाते हैं। और हमारे गोपेश शर्मा जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनकी बड़ी खिदमत है हमारे दूरदर्शन में, हमारे आर्टिस्टों का ये सब जो बहुत बड़े इनकी खिदमत है, हम इनका शुक्रगुजार हैं। यहाँ ये सब बड़ी बड़ी हस्तियां, ये अशोक शर्मा जी, ये मेरे गुरु जी पंडित हुसनलाल भक्तराम जी, जिनसे मैंने संगीत सीखा, इनको प्रणाम। और मैं दो शब्द और इनसे और सब और सबने लबैक कहा, सबने मदद करने की मदद फरमाई है कि इस काम में हमारा साथ देंगे, और आप लोग और चाहे ये हस्तियां वो हैं कि सही मानों में ये ट्रस्ट इंशाल्लाह, ये ट्रस्ट की उम्र बता दो थोड़ी सी, ये ट्रस्ट और ये कार्य ता कयामत रहे।
और से कभी खत्म होगा ही नहीं, और ना ही ये देवी जी की तरफ से अपने भाइयों की मदद जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतमंदों को ये पूरा करेगी, हर तरह की ईमानदारी के साथ पूरा करेगी। इंशाअल्लाह ये कभी खत्म नहीं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे, यही हम दुआ करते हैं। आशीर्वाद दे दीजिए पूरी फेडरेशन को, हमें आशीर्वाद चाहिए। माँ का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलता है कोई भी जहां में प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग सब आए अपना टाइम निकाल के इस अच्छी कॉज के लिए एक फंक्शन होना उसमें आए, इसकी मुझे ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूमी नहीं गूंजती फिल्मकारियां घर आंगन में, माँ को जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ होने में। इस माँ ने हमें आशीर्वाद दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और यूं ही हमें आपका आशीर्वाद, खयाम साहब आपका आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि इस उम्र में भी ये जो जज्बा है कौन रोकेगा इनकी उड़ान को। ये परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, आपकी मोहब्बतों से प्रेम से उड़ते हैं। अब मैं इस मुकाम पर चंद हमारे खास मेहमानों को खिदमत एक बार फिर दूंगी मंच पर आके। आदरणीय उत्तम जी, मिताली जी, भूपिंदर जी, सच पता कहीं दिखाई नहीं देती।
सिवाय के अपने घर नहीं है, गवर्नमेंट से सुविधाएं नहीं है, मेंबर जितना कमाता है नहीं। पर जब घर के अंदर कोई बीमार होता है तो मेडिकल एक्सपेंस, हॉस्पिटल के खर्चे, इसका क्या करें? कभी कोई 7 साल के बच्चे के लिए, कोई 8 साल के बच्चे के लिए, कोई 2 साल के बच्चे के लिए, किसी न किसी को कोई तकलीफ है। एक शुरुआत से उन 2.5 लाख वर्करों की आशाएं बनती है, ये आज शुरुआत है, कल बहुत कुछ दिया है लेकिन अब वक्त है कि हमको कुछ वापस देना पड़ेगा। आज जो नाम, जो फेम हम सब लोगों के पास है, उनमें वो एक स्पॉट बॉय की भी उतनी जरूरत है, उस लाइट मैन की भी उतनी ही जरूरत है, एक साउंड रिकॉर्डर की भी उतनी ज्यादा, हर डिपार्टमेंट की अहमियत है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, खयाम साहब भाभी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो बीज आज उन्होंने रखा है, ये आगे आगे बहुत बड़ा पेड़ बने, लोग आगे आए फेडरेशन के लिए नहीं। कुछ चंद इम्पोर्टेंट अहम बातें बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगी किरण सावंत जी को, और उससे पहले मैं इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए इनवाइट करना चाहूंगी एक और शख्सियत जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला अफजाई दी है, आशीर्वाद दिया है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रसाद भारती, स्टेशन डायरेक्टर मुंबई दूरदर्शन, फिल्म्स डिवीजन के डायरेक्टर मिस्टर मुकेश शर्मा जी, प्लीज वेलकम हिम ऑन द स्टेज। डायरेक्टर ट्रस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे खयाम साहब और जगजीत जी और प्रदीप जी के साथ मेरे और मेरे फैमिली के ताल्लुकात लास्ट 45 हो, सर्विस टैक्स हो या बाकी कोई भी उनके इन्वेस्टमेंट हो, लास्ट हम लोग 45 इयर्स से उनके साथ में, मेरे पहले डैडी 25 साल और उसके बाद में ऑलमोस्ट 20-25 साल मैं उनका काम देखते आ रहा हूं। मैं आपको 4 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं। ये डेट थी 25th मार्च 2012। एक उनको तो लगा ही और हम सब लोग गिर गए कि ये क्या हो रहा है। एक दो साल उसके बाद में काफी बहुत ही अलग डिफरेंटली उनके गए, काफी प्रॉब्लम्स के साथ में उनको जीना पड़ा बिकॉज ही वॉज नॉट देयर। बट उसके बाद में खयाम साहब ने उनके जो दूसरी डेथ एनिवर्सरी था तभी मुझे बुला के ये कहा कि किरण क्यों ना हम लोग एक ट्रस्ट फॉर्म करें, क्योंकि देखो बेटा अभी मेरा लड़का भी नहीं रहा और हम लोग का एज भी 88-85 के करीब आ गया है, सॉरी, तो किसी का भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्यों ना एक ऐसे ट्रस्ट फॉर्म करें जिससे मैंने आज तक का जो लाइफ में मैंने प्रदीप जी ने और जगजीत जी ने जो आज तक लाइफ में जो भी अर्निंग्स की है, क्यों ना हम लोग उसी मदरलैंड को, इंडिया को, हमारे सीनियर एम्प्लॉइज को क्यों ना लौटा दें। ये बहुत बड़ा थॉट है, ये बहुत उसके लिए हिम्मत लगती है। आज कोई भी बोलता है क्यों मुझे करना चाहिए, नहीं, और उसके लिए ये जगजीत जी के यहां से सुझाव आया जो खयाम साहब जगजीत जी ने बात करके उस पे हम लोग ने फिर 2 साल से हम लोग ये काम पे जुट गए और स्लोली स्लोली पहले किन को लेना है, किन को एडवाइजरी कमिटी में रखना है, उसके ट्रस्टीज हम लोग ने फॉर्म करना शुरू कर दिया और उसके बाद में उनका जो ट्रस्ट है, जो एक अकाउंट ओपन करना है, वो अकाउंट ओपन करना शुरू किया। स्लोली स्लोली प्रोसीजर आते बढ़ती गई और लास्ट कुछ दिनों के अंदर अभी ये ट्रस्ट जो खयाम के पीछे चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट फॉर्म हुआ। मुझे बुके ऑफ फ्लावर्स, हमारे जितने 22 एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर हैं, तो खड़े हो जाइए और अपनी अटेंडेंस यहां पर दर्ज कर
एंड वी हैव अ नाइस फोटो अपॉर्चुनिटी. मुकेश जी थोड़ा सा आगे आइए, फोटो के लिए एक एक फोटो फोटो दिलीप जी आ जाइए. We will have it once more, once again. हमारी और भी जो मेहमान है मंच पे आएंगे. फोटो तेल कमलेश जी हमारे मेहमान ही खुसूसी सुभाष जी के लिए. आदरणीय मुकेश शर्मा जी के लिए आज की खुशनुमा शाम की यादें अपने साथ ले जाने के लिए. थैंक यू. थोड़ी देर मेरी क्वेस्ट नितिन मुकेश जी प्लीज मंच पर आ जाए. तलत अजीज साहब गजल गायकी का एक बहुत ही जाना माना नाम, एक मिला जुला प्रयास है हमारे गुलुकार गायक मौसिकार मौसिकार उत्तम सिंह जी. आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पर आए. आदरणीय भूपिंदर सिंह साहब वी मे रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज. मिताली जी संजय टंडन ये कितनी मेहनत मशक्कत के बाद ऐसी सुरीली शाम रचती है बजती है मंच पर सजती है. मैं रिक्वेस्ट सिंधा जनरल सेक्रेटरी सुशांत सिंह टू कम ऑन द डायस. स्टेज जरूर छोटा पड़ेगा मगर हमारा दिल बिल्कुल छोटा नहीं है, हम सबको संभालेंगे. इसलिए मंच पर जहां जगह हो प्लीज एक अच्छी 22 क्राफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो एक एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा एक और आज प्रोग्राम है. हम मिस्टर बी एन तिवारी जी साउथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित चंद्र संजय सिंह अशोक जी सीपीए नाम बताते जाइए कौन कौन हमारे एसोसिएशन के सेंटर स्टेज ऑल्सो फॉर अ नाइस फोटो अपॉर्चुनिटी वेलकम. अब चूंकि आप लोग सब यहाँ पर हैं ही मैं आप लोगों को जान रहा हूँ फेडरेशन के लिए हमारी ये चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए तो हम शुरुआत बहुत ही उनका आशीर्वाद तो हम लेंगे. हमारे मेहमान एक खुसूसी आप लोग हैं तो आप प्लीज बैठो. इस अवसर इस शुभ अवसर पर बहुत से लोगों ने बहुत खुश करा इसीलिए हम सबको सिर्फ एक मिनट की परमिशन मिलेगी हर एक को. और हमारे भाव क्या हैं और फीलिंग्स क्या हैं खयाम साहब के लिए उनके इस बड़े जेस्चर के लिए कि कहने की जरूरत नहीं आप सब लोग समझ रहे हैं. मैं सिर्फ इतना कहूँगा खुशनसीब वो होते हैं जिन्हें इन ईश्वर देता है जिन्हें भगवान देता है वो खुशनसीब होते हैं पर उससे भी बड़े खुशनसीब वो होते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान को खुश देता है. और ये एक खयाम साहब जैसे गहरे आर्टिस्ट ही सोच सकते हैं कि इस तरह का एक जेस्चर किया जाए इस तरह का एक कंट्रीब्यूशन किया जाए. जिंदगी में तो बहुत कमाया अब कुछ छोड़ के जाना है दे के जाना है और मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद वर्कर की तरफ से क्योंकि हम सब वर्कर के साथ हैं उन्हीं की वजह से हम बड़े हो गए उन्हीं की वजह से हम आज हैं और ये आपने हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है. मैं आशा करता हूँ कि बाकी जितने आर्टिस्ट हैं जितने जो सफलता के शिखर पर हैं वो योगदान देंगे तो सोचिए परिवार कितना बड़ा हो जाए. शुक्रिया.
दोस्तों क्योंकि 50,000 का 1,50,000 चेक बीइंग गिवन फैंटास्टिक फॉर खयाम केपीजे चैरिटेबल ट्रस्ट जगजीत कौर एंड खयाम सहावादा ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज जोरदार तालियां फोटो फोटो ये तो डमी है असली तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होता है वो आएगा धीरे धीरे वो भी कैश हो जाएगा बहुत शुक्रिया